नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। उम्मीद से कई गुना ज्यादा है कालाधन। देश में बड़े नोटों पर लागू पाबंदी के बाद कालाधन रखने वालों की नींद हराम हो गई है। बैंक खातों की जमा राशि में जिस रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है, उससे ये बात साफ हो रही है कि काला धन उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। इस बारे में बैंकों की तरफ से सूचनाएं वित्त मंत्रालय को भेजी जा रही हैं। सूचनाओं के अनुसार छोटे मोटे कारोबारी समुदाय और खेती कार्य में लगे लोगों के खाते में भी खूब राशि जमा हो रही है। मध्य प्रदेश में ही अब तक 2.25 करोड़ जनधन खातों में 5 दिन में 1200 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसमें से 60 लाख खाते तो ऐसे हैं जिनमें 8 नवंबर से पहले जीरो बैलेंस था। प्रदेश की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम ने पुष्टि की है कि निष्क्रिय पड़े खातों में तेजी से धन जमा हो रहा है। बताया जाता है कि जिन शाखाओं में लॉकर है, वहां रोज 2-3 की अपेक्षा अब 15 से 20 लॉकर्स के संचालन के लिए उनके मालिक सामने आ रहे हैं। नोएडा स्थित एक निजी बैंक में काम करने वाले अधिकारी ने बताया कि एक स्थानीय शिक्षक ने 13 लाख रुपए जमा करवाए हैं और पूछने पर बताया गया कि एक प्रॉपर्टी विवाद में उसे ये रुपए मिले थे, लेकिन अब इस पर जो भी जुर्माना होगा देकर वो उसे सफेद बनाना चाहता है। इस तरह के कई उदाहरण सामने आ रहे हैं। हरियाणा के पलवल की यस बैंक में एक किसान ने 1 मुश्त 67 लाख रुपए जमा करवाए। नोट बेहद पुराने थे और उनमें पाउडर लगे हुए थे। नकदी को छिपाकर रखने वाले उसे सुरक्षित रखने के लिए पाउडर लगा देते हैं। इसी तरह का मामला एनसीआर के आईडीबीआई सरकारी बैंक में देखने को मिला, जब हर महीने अपने बैंक खाते में 50-60 हजार रुपए जमा कराने वाले एक कारोबारी ने 1 मुश्त 21 लाख रुपए जमा करवाए। देश में कितना काला धन है, इस बारे में ठोस अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास के मुताबिक बाजार में कुल 17 लाख करोड़ रुपए की नकदी है। इसमें तकरीबन 14.5 लाख करोड़ रुपए की राशि 500 और 1000 रुपए की है। राज्यसभा में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सरकार ने जितनी सीरीज के नोट बाजार में जारी किए थे, उनमें से 50% सर्कुलेशन में थे ही नहीं। इनका ज्यादा हिस्सा काले धन के तौर पर छिपाकर रखे जाने के संकेत हैं। देश के सबसे बड़े उद्योग चैंबर CII के अनुसार इस राशि का 20% तक काला धन हो सकता है, जो सिस्टम में फिर से लौट सकता है। और अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के झटके। अमेरिका में मुस्लिमों पर बढ़ते जा रहे हैं हमले, लड़की का हिजाब उतारा। पाक सेना ने भारतीय सीमा के नजदीक किया सैन्य अभ्यास। स्वदेशी ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण, बढ़ी नौसेना की ताकत। सरकार ने 100 और 50 के नोट बंद करने की अफवाह को नकारा।